हे देव वेलकम टू सीरीज ऑफ़ तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री दिस लेसन इज प्रेजेंटेड बाय मी कंचन पांडे और आप पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की हिस्ट्री सो क्लास ट्वेल्थ में आज जो आपका चैप्टर है इट इज़ अबाउट रशियन रिवॉल्यूशन रशियन रिवॉल्यूशन ये हुआ था 1917 में तो इस रिवॉल्यूशन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे उससे पहले नए लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का देखिए दो ग्रुप्स हैं एक है पेड ग्रुप और दूसरा है फ्री ग्रुप तो फ्री ग्रुप जो है उसमें ये गिवन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाता है और पेड ग्रुप में आपको यू पी पी एस सी एम पी पी एस सी और बी पी एस सी जैसे एग्ज़ाम्स का जो प्रिलिम्स और मेन्स दोनों का जो स्टडी मटीरियल है वो मिल जाएगा तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं तो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में आज हम पढ़ रहे हैं हमारा ट्वेंटी एट चैप्टर द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ नाइनटीन सेवनटीन ओके सो इस लेसन को पढ़ने के बाद प्लीज़ आप जो लाइक बटन है उसको हिट करें ठीक है प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करें एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें so after reading this chapter you will be know uh, you will be able to know the causes of Russian Revolution कि हमने अभी तक जितने भी Revolution देखे हमने सबसे पहले देखा है कि इस Revolution का या Reformation का क्या कारण रहा होगा तो वही हम इस chapter में भी करेंगे we will see the causes of Russian Revolution and then हम देखेंगे जो socialists हैं रशिया के उनका rise कैसे हुआ रशियन रिवॉल्यूशन का पूरा कोर्स देखेंगे एंड एट लास्ट जो एंड रिज़ल्ट है इस रिवॉल्यूशन के उनको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और चैप्टर के एंड में इनका आंसर्स जो है उनको डिस्कस किया जाएगा तो पहला सवाल है द बोल्ड पार्ट इन रशिया वॉज हैडेड बाय तो बोल्ड पार्टी जो है इसको रशिया में किसने हेड किया था कौन इसके लीडर थे ए मार्क्स बी सार निकोलस टू सी लेनिन या डी एंगलिस नेक्स्ट क्वेश्चन है रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में कि ये किसने फॉर्म की थी आपको ये बताना है जहाँ भी हम रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखिएगा कि इसको किसने फॉर्म किया है आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट पूछा है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के बारे में कि ये कब फाउंड हुई थी इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था पूछा गया है नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग में यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया है सार निकोलस ब्लडी संडे अप्रैल थीसिस एंड क्रेनिस के कुछ लोगों के और कुछ इवेंट्स के नाम दिए हैं तो राइट right साइड में लिखे टर्म्स में से किससे रिलेटेड है प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेनिन 1905 या रोमानाव डायनेस्टी ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको चार स्टेटमेंट दिए हैं इसमें से सिर्फ एक करेक्ट स्टेटमेंट है उसको आपको फाइंड करना है तो पहला जो स्टेटमेंट है इसमें लिखा है द फेबरिरी रिवॉल्यूशन इन रशिया वॉज लेड बाय लैनिन ठीक है नेक्स्ट है मैन शेविक गवर्नमेंट वॉज लेड बाय कैरिन स्काई तो मैन शेवी गवर्मेंट के लीडर कैरिन स्काय थे इज इज़ ट्रू और नॉट और फेबररी रिवॉल्यूशन जो हुआ रशिया में उसके लीडर लैनिन थे ये बताया गया है सी स्टेटमेंट है बोल पार्टी से रिलेटेड दैट इट वाज अ मॉडरेट पॉलिटिकल फोर्स तो क्या ये एक मॉडरेट पॉलिटिकल फोर्स था जब हम मैन शेविक इन सारी पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो आप थोड़ा अटेंशन पे कीजिएगा डी है सार निकोलस के बारे में दैट सी सार निकोलस टू हैड सपोर्टेड द मैन शेविक्स तो मैन शेविक्स को क्या सार निकोलस टू का सपोर्ट मिला था तो इन चार स्टेटमेंट्स में से एक करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स ट्रू और फॉल्स में आपका पहला सवाल है रशियन विदड्र्यू फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द मिडल तो क्या ऐसा हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मिडल में ही रशिया जो है वो उसने विद्रॉ कर लिया था ठीक है हाथ खींच लिया था वॉर से सेकेंड है द ट्रस्टेड एसोसिएट ऑफ लेनिन वॉर्स लियोन ट्रॉटस्काई तो लेनिन के ट्रस्टेड एसोसिएट का नाम लियोन ट्रॉट है या नहीं ये आपको चैप्टर पढ़ने के बाद पता चलेगा सो दीजर क्वेश्चंस तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं देखिए रशियन रिवॉल्यूशन जो है 1970 का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट है ट्वेंटी सेंचुरी का ठीक है पहली बार जो कार्लमैक्स हैं उनका जो आइडिया था सोशलिज्म का एंड प्रोलिटेराइट का ये रियलिटी बना था ठीक है सोशलिज्म तो आप समझते हैं प्रोलेटराइड का क्या मतलब होता है देखिए जो सबसे आ, समाज के जो सबसे निचला हिस्सा होता है निचला न, जो सबसे नीची जाति के लोग होते हैं उनके द्वारा किए गए रिवॉल्यूशन को प्रोलेटराइट रिवॉल्यूशन कहते हैं तो कार्लमैक्स का ये जो आइडिया था सोशलिज्म और प्रोलेटराइट रिवॉल्यूशन का इट बिकेम अ रियलिटी अभी जो रशिया है ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बड़ा कंट्री था कि नेपोलियन बोनापार्ट जो हैं वो भी इसको कनक्वेयर नहीं कर पाए थे 1812 में लेकिन ट्वेंटी सेंचुरी के बिगनिंग में ठीक है 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट इसको कनक्वेयर नहीं कर पाए थे लेकिन ट्वेंटी सेंचुरी आते आते जो रशिया है अब वो पावरफुल नहीं रहा था और इस टाइम पे जब वो कमज़ोर हो गया था इस टाइम पे उसको रूल करती थी रोमानोव डायनेस्टी रोमानोव डायनेस्टी जो है इसके सार निकोलस टू राजा थे इस टाइम पे तो इस वक्त रशिया हैड फेस्ड सीरियस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ठीक है तो एक सीरीज था जो पॉलिटिकल इवेंट्स का इट लेड टू द ओवर थ्रू ऑफ द सारिसस रूल बाय अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1970 अब आप ये पूरा जो सीरीज़ है पॉलिटिकल इवेंट का कि कैसे जो सारिस का रूल है वो ख़त्म हुआ अक्टूबर रिवॉल्यूशन के कारण उसे आप देखोगे ठीक है बोल्शेविक पार्टी जो कि लेनिन ने हेड की थी उसने ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था और फाइनली जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन था उसके थ्रू जो सारिस का रूल है वो ख़त्म हुआ था एंड उसके बाद जो रशिया है वो यूएसएसआर बन गया था यूएसएसआर मींस द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जितने भी सोशलिस्ट रिपब्लिक्स थे उनके यून उसका एक यूनियन बन गया था एंड ये नाइनटीन तक ऐसा ही रहा था उसके बाद ये डिसइंटीग्रेट हो गया था यू ठीक है अब रशियन रिवॉल्यूशन के कारण क्या थे देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं पॉलिटिकल कारण क्या था ठीक है तो सार का जो रूल था वो बहुत ज़्यादा वीक था और रशिया की स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी पूरे वर्ल्ड के नज़र में क्योंकि रशिया पहले एक बहुत पावरफुल कंट्री थी सो so, ओके okay. लेकिन जापान जापान जो एक, एक स्मॉल एशियन कंट्री है उससे ये नाइनटीन हंड्रेड फोर की वॉर में हार गया था सो दिस हैड लोवर द इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक प्रेस्टीज ऑफ रशिया सार बिलीव करते थे ऊपर से डिवाइन राइट थ्योरी में डिवाइन राइट थ्योरी का क्या मतलब होता है कि इसमें जो राजा है वो अपने आप को किंग का वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव समझता है एंड ही थिंक्स दैट ही इज़ आंसरेबल टू ओनली गॉड ठीक है तो सार डिवाइन राइट थ्योरी को बिलीव करते थे एंड ये एक ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटर थे यहाँ पे इनके रूल पे जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशानी में थे देवर फेसिंग द ग्रीवियां ओके द मेंबर्स ऑफ जेमस्टोव्स एंड यू वांटेड लिबरल रिफॉर्म्स फ्रॉम द सार लेकिन सार ने इन लिबरल रिफॉर्म्स को देने के लिए मना कर दिया था ठीक है सार वॉज नॉट प्रिपेयर टू सेंकशन एनी रिफ़ॉर्म्स एंड उसी टाइम पे जो वर्किंग क्लास था सेंट पीटरबर्ग का वो फिर इसके लिए स्ट्राइक पे चले गया द स्ट्राइकिंग वर्कर्स वेंट ऑन प्रोसेशन ऑफ सार्स प्लेस टू प्रेजेंट अ पटीशन टू रिड्रेस दियर ग्रिवियां एंड ये जो स्ट्राइक है इसको लीड कर रहे थे फादर गैप तो सार तो वर्कर्स जब सार के पैलेस में पहुंचे तो एक बहुत ही दुखद घटना हो गई थी जो गार्ड्स थे सार के उन्होंने निहत्ती जो क्राउड आ रही थी उन पे गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था तो इस इवेंट को ब्लडी संडे कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था एंड उस दिन संडे था ठीक है ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन को एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज नाइनटीन हंड्रेड फाइव रिवॉल्यूशन तो ब्लडी संडे को नाइनटीन हंड्रेड फाइव का रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है ठीक है एंड ये जो इवेंट था इसको अक्टूबर रिवॉल्यूशन का जो प्रिलूड है यानी कि उससे पहले ये रिवॉल्यूशन हुआ था मीन्स ये बोला जाता है कि जो ब्लडी संडे का जो इवेंट हुआ था नाइनटीन जीरो फाइव का रिवॉल्यूशन हुआ था ये भी एक कारण था अक्टूबर रिवॉल्यूशन जो नाइनटीन सेवनटीन में हुआ था उसका ठीक है लोगों में इसका भी गुस्सा था अब इकोनॉमिक क्राइसिस जो थे वो देखते हैं इकोनॉमिकल रीज़न क्या थे तो द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ रशियन रिवोल्यूशन लार्जली ऑरिजिनेटेड इन रशिया स्लाइटली आउटडेटेड इकोनॉमी यहाँ पे इनकी इकोनॉमी का जो है आउटडेटेड थी रशिया का एग्रीकल्चर जो है वो भी आउटडेटेड था यहाँ पे लोग अभी तक मॉडर्न मशीनरी का यूज़ नहीं करते थे ऊपर से रशिया जो है उसको कोल्ड क्लाइमेट को सफ़र करना होता था तो रशिया का जो एग्रीकल्चर का सीज़न था वो सिर्फ चार से छः महीने का ही होता था और उसमें भी एटीन नाइन्टी वन में फेमाइन आ गया था ठीक है जिसकी वजह से बहुत सारे जो किसान हैं वो गरीब हो गए थे एंड जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था इसकी वजह से अर्बन एरिया जो है बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड हो रहा था देर वॉज़ पुअर कंडीशन फॉर लिविंग ठीक है ना सैनिटेशन का कोई व्यवस्था था ना हेल्थ का कुछ था ये कहा जाता है कि 1890 से 1910 के ही बीच जो सेंट पीटर्सबर्ग कैपिटल है रशिया की वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो दुगनी बढ़ गई थी ठीक है और सेम चीज़ मॉस्को में भी हुई थी और 1904 के सर्वे से ये पता चला है कि इतनी ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो गई थी कि एक अपार्टमेंट में एवरेज सिक्सटीन पीपल जो हैं एक अपार्टमेंट को शेयर किया करते थे सेंट पीटर्सबर्ग में एंड uh, इसका मतलब है कि पर रूम छः लोग एक रूम को शेयर करते थे ना पीने के पानी की, की व्यवस्था थी ठीक है ना सैनिटेशन का कुछ था हेल्थ बहुत ज़्यादा हेल्थ uh, और मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी तो वर्कर्स की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी क्योंकि ये लोग जो थे ये वर्कर्स ही थे जो सिटीज़ में आए थे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जॉब ढूंढने के लिए अब बात करते हैं हमने काजेज देख लिए हैं इस रिवॉल्यूशन के ब्लडी संडे इकोनॉमिकल काजेज़ देख लिए हैं ब्लडी संडे था और पॉलिटिकल काजेज़ थे अब हम देखते हैं द राइज ऑफ सोशलिस्ट पार्टी सोशलिस्ट पार्टीज़ का राइज़ कैसे हुआ सो वन ऑफ़ द मोस्ट इंपॉटेंट इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट वॉज द फॉर्मेशन इन 1864 ऑफ़ द इंटरनेशनल वर्किंग मैंस एसोसिएशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट जो है सोशलिस्ट मूवमेंट में वो है जो एक एसोसिएशन इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ ये कब हुआ था 1864 में इसको आप फर्स्ट इंटरनेशनल के नाम से भी जानते हैं सो so, ये हालाँकि एक छोटे से पीरियड के लिए एग्जिस्टेंस में रहा

द रिज़ल्ट ऑफ दिस कांग्रेस वॉज कि अभी एक नया जो सेकेंड इंटरनेशनल है उसका फॉर्मेशन हो गया था एंड सेकेंड इंटरनेशनल का जो फॉर्मेशन है इट वॉज़ अ न्यू स्टेज इन दिस्ट्री ऑफ सोशलिज़म ठीक है तो सोशल सोशलिज़म uh, में हमने देखा कि एटीन सिक्सटी फोर में बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन बना था एटीन सिक्सटी फोर का फर्स्ट इंटरनेशनल और इसने वर्कर्स मूवमेंट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया था और उसके बाद फिर कांग्रेस हेल्ड हुई थी जिसके बाद सेकेंड इंटरनेशनल जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था सेकेंड इंटरनेशनल के फॉर्मेशन के बाद फर्स्ट ऑफ मे एटीन में मिलियंस ऑफ वर्कर्स जो थे यूरोप के वो उन्होंने मैसिव डेमोस्ट्रेशन किया ठीक है जो काम था वो सारा कुछ बंद हो गया और बहुत मैसिव डेमोस्ट्रेशन uh, किया इन मिलियंस ऑफ वर्कर्स ने और फर्स्ट मे को इसीलिए इंटरनेशनल वर्किंग क्लास डे के तौर पे आज भी मनाया जाता है ठीक है इन रशिया वेन द वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन वर सेटअप दे वर डोमिनेटेड बाई मार्क्स आइडियाज ऑन सोशलिज्म तो इनका जो बैकग्राउंड था इनके एसोसिएशन का इट वॉज़ द आइडिया ऑफ सोशलिज़म दे वॉन्टेड सोशलिज्म इन दे गवर्नेंस इन एटीन एटी थ्री द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वॉज फॉर्म और एटीन एटी थ्री में जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है वो फॉर्म हो गई थी और ये किसने फॉर्म कर रही थी बहुत इंपॉर्टेंट है जॉर्ज प्लेकनोव ने ठीक है ये मार्क्स के ही एक फॉलोवर थे सो दिस पार्टी अलोंग विद मैनी अदर सोशलिस्ट ग्रुप वाज यूनाइटेड इनटू द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी और बाद में ये वाली पार्टी और अदर जो सोशलिस्ट ग्रुप थे ये सब मिल एक और इन्होंने पार्टी बनाई जिसका नाम है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी और ये कब बनी थी 1898 में लेकिन बहुत ही जल्द ये जो पार्टी है ये स्प्लिट हो गई थी बिकॉज इनका ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसी का थोड़ा मतभेद चल रहा था प्रॉब्लम्स आ रही थी तो एक ग्रुप जिस जो माइनॉरिटी में था जिसमें ज़्यादा लोग नहीं थे उसको बोला गया मैन ठीक है एंड मेजोरिटी पार्टी जो थी उसको बोला गया बोल शेविक्स ओके एम फॉर माइनॉरिटी यहाँ पे मैन आप ऐसे लर्न कर सकते हो मिन से मैन ओके तो मेनोरिटी में जो लोग थे उनको मैन शेविक्स बोला गया और जो मेजर पार्टी थी उनको बोल शेविक्स बोला गया ठीक है अब बोल शेविक्स की बात करते हैं इनके लीडर का नाम था व्लादिमिर इलिच उलियानोव ओके और इनको पॉपुलरली उनका एक शॉर्ट नेम था लेनिन ठीक है लेनिन का नाम आपने अभी क्वेश्चंस में भी सुना था तो बोल्शेविक्स के लीडर लेनिन थे ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट आफ्टर मार्क्स एंड एंजल्स सबसे पहले कौन थे मार्क्स और एंजल्स से और उसके बाद आए लैनिन तो इन्होंने जो अपनी पूरी लाइफ है वो बोल पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में रिवॉल्यूशन में इन्हीं चीज़ों में लगा दी थी एंड इसीलिए जो रिवॉल्यूशन है नाइनटीन सेवनटीन का उसमें इनका एक बहुत बड़ा रोल है ठीक है हिज नेम इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम द रिवॉल्यूशन ऑफ नाइनटीन तो द रशियन सोशलिस्ट इंक्लूडिंग प्लेकिनोव एंड लेनिन हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द सेकेंड इंटरनेशनल प्लेक्नोव कौन थे जॉर्ज प्लेक्नोव ने फॉर्म किया था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को ठीक है तो सेकेंड इंटरनेशनल में भी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड इंटरनेशनल मार्ग द न्यू स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ द सोशलिजम ये तो हम जानते ही हैं ठीक है नाओ बिसाइड्स द मेनशेविक एंड द बोल सेविक पार्टीज़ विच वर द पोलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स देयर वॉर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी विच वॉइस द डिमांड ऑफ द पिजेंट्री तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए पोलिटिकल पार्टी थी मेनशेविक और बोल शेविक की लेकिन किसानों के लिए भी एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी ठीक है नाओ रशिया की जो कंडीशन है एबा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कि देख लेते हैं उसमें हुआ क्या क्या, -क्या था तो रशिया जो है उसने मिलिट्री फेलियर जो है उसको फेस किया था एंड इवन बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रशिया हैड लॉस्ट अ वॉर विद जापान तो ये चीज़ हम देख चुके हैं कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो इसकी लड़ाई हुई थी जापान के साथ वो ये हार चुका था तो मोस्ट ऑफ द रशियाज फ्लीट वॉर संक बाय द जापानीज़ इन द वॉर वाइल्ड द रशियन आर्मी इंजॉयड सम इनिशियल इनिशियल सक्सेस इनको कब मिली थी ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ जब नाइनटीन फोर्टीन में वॉर हुई थी ठीक है तो रशिया की रशिया में कमी क्या थी वट वॉज देयर डेफिशेंसी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनको इतना मिलिट्री फेलियर झेलना पड़ा था जो सोल्जर्स थे उनके पास इक्विपमेंट्स की कमी थी ठीक है इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी की कमी थी एरोप्लेन्स टेलीफोन्स इन सब का इन्वेंशन हो गया था लेकिन इनके पास ये चीज़ों की कमी थी सो दीज वर दॉज़ फॉर रशियाज़ फेलियर हमने देखा था इनका एग्रीकल्चर जो है उसमें भी ये अभी तक पुराने मेथड्स का ही यूज़ किया करते थे सो दे वज़ नॉट दे वॉज नॉट टेक्निकली सो सो मच डेवलप्ड ओके सो so, रशिया और रशिया का जो सबसे पहला मेजर बैटल हुआ था इट वॉज़ ऑल्सो डिज़ास्टर फॉर देम ये था बैटल ऑफ टेननबर्ग नाइनटीन में हुआ था ये तो इसमें लग लगभग एक लाख बीस हज़ार जो रशियन ट्रूप्स हैं देवर किल्ड वाउंडेड एंड कैप्चर्ड ठीक है तो इनको इतनी बड़ी अमाउंट की आर्मी का नुकसान हुआ था और ये टेनन बंक की जो लड़ाई है ये जर्मनी के साथ ही हुई थी जिसमें जर्मनी को कुछ खास ये नुकसान नहीं कर पाए थे ठीक है प्लस जो नेशनलिस्टिक और पैट्रियोटिक सपोर्ट था रशियन गवर्नमेंट को वो भी नहीं मिला था ठीक है इट वॉज़ ऑल्सो लॉस्ड इन अर्ली स्टेजेस ऑफ द वॉर ओनली

और जो जर्मन आर्मी है दे वर बेटर लेड उनके लीडर अच्छे थे दे वो ट्रेंड बहुत अच्छी तरीके से हुए थे ऊपर से उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी भी कमी नहीं थी ठीक है एंड दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द इक्विप्ड रशियन फोर्सेज सो ऑब्वियस जर्मन आर्मी ही जीतेगी बाय द एंड ऑफ नाइन अक्टूबर नाइनटीन सिक्सटीन रशिया जो है इट हैड लॉस्ट बिटवीन वन पॉइंट सिक्स टू वन पॉइंट एट मिलियन सोल्जर्स ठीक है दो मिलियन प्रिजनर्स थे इनके और एक मिलियन्स जो हैं अभी तक मिसिंग थे तो टोटली फाइव मिलियन मैन का लॉस हुआ था रशिया को ठीक है इट वॉज़ अ हैवी लॉस फॉर दैम म्यूटीनीज़ जो हैं जो बाकी बचे सोल्जर्स थे उनके बीच में म्यूटीनीज़ होने लगी थी क्यों क्योंकि देर वॉज द लैक ऑफ फूड सप्लाई ऑल्सो ठीक है देवर हंगरी उनके पास शूज नहीं थे ठीक है वेपन्स की कमी थी तो इन सब की वजह से रशियन आर्मी जो है उसमें आपस में ही जो म्यूटनी है वो स्टार्ट हो गई थी सो so, इन सारे क्राइसिस की वजह से निकोलस को ब्लेम किया जाता है एज दिस डिसकंटेड ग्री द स्टेट डूमा इश्यू आर वॉर्निंग टू निकोलस टू ग्रांड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और निकोलस ने इस चीज को इग्नोर कर दिया एंड एज अ रिजल्ट रशियाज सारिस्ट रिजाइम को लैप अ फ्यू मंथ लेटर ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ नाइनटीन सेवनटीन ठीक है फॉल ऑफ जार इज नोन एज द फेबरिरी रिवॉल्यूशन और ये जार जो है जार, इसके फॉल को ही फेबर रिवॉल्यूशन कहा जाता है ठीक है ये कब हुआ था ट्वेंटी सेवन फैफ नाइनटीन सेवेंटीन को फेबररी रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं सो दिस फेबररी रिवॉल्यूशन वाज़ द रिज़ल्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड सोशल कॉजेज जो भी अभी हमने मेंशन करे हैं उन सारे कारण ये ही सारे ही कारण थे फेबरिरी रिवॉल्यूशन के ठीक है ऑन द ईव ऑफ फेबररी रिवोल्यूशन देर वॉज फूड शॉर्टेज इन द सिटी एंड पीपल जो हैं दे प्रोटेटेड अगेंस्ट दॉर एज द प्रोटेस्ट ग्रेरियस पोलिटिकल रिफॉर्मिस्ट जॉइंट टूगैदर अगेन द सार रिजाइन इन फेबररी द प्रोटेस्ट इन पेट्रोग्रेड टर्न वॉयेट एज लार्ज नंबर ऑफ सिटी रेसिडेंट रोटेड एंड क्लैस्ड विद पुलिस एंड सोल्जर तो बड़े नंबर पे रेसिडेंट जो हैं उन्होंने विरोध किया और पुलिस और सोल्जर्स के साथ भी वो भिड़ गए ठीक है देर वॉज ऑल्सो टोटल स्ट्राइक इवेंचुअली द बल्क ऑफ द सोल्जर गेरिसन इन पेट्रोग्रेड जॉइन द प्रोटेस्टर और बहुत ही जल्द जो सोल्जर्स थे पेट्रोग्रेड में वो उन्होंने भी वो भी प्रोटेस्टर्स के साथ जॉइन हो गए दे ऑल्सो सपोर्टेड दैम ऑन ट्वेल्थ मार्च नाइनटीन सेवनटीन द कैपिटल ऑफ पीटर्सबर्ग देट वॉज रीनेम पेट्रोग्राड पेट्रोगार्ड को ही रीनेम कर दिया गया था फेल इन टू द हैंड्स ऑफ रिवोल्यूशनरीज ठीक है तो पीटर्सगार्ड का अब जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो रिवॉल्यूशनरी के हाथ में आ गया था एंड सून द रिवोल्यूशनरी टुक मॉस्को द सार निकोलस टू गेव अप हिज थ्रोन एंड द फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड ऑन फिफ्टीन मार्च ठीक है तो जैब रिवोल्यूशनरी ने एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया था मॉस्को का तो सार निकोलस टू जो है रोमनोव डायनेस्टी के जो ये लीडर थे इन्होंने अपना जो पोजीशन है वो गिव अप कर दिया था एंड उसके बाद पहली जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है फिफ्टीन मार्च को वो फॉर्म हुई थी ठीक है कैरिन स्काई प्रोविजन प्रोविजनल गवर्नमेंट तो लोगों की डिमांड क्या थी गवर्नमेंट से प्रोविजनल गवर्नमेंट तो फॉर्म हो चुकी थी तो लोगों की डिमांड थी कि वो पीस चाहते थे दे वांटेड लैंड टू द टिलर किसानों को उनकी ज़मीन वापस मिले कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री बाय वर्कर इंडस्ट्री का कंट्रोल वर्कर्स के हाथ में हो एंड दे वांटेड इक्वल स्टेटस फॉर नॉन रशियन नेशनलिस्ट लेकिन जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है कैडन स्काई की उस वो ये सारी डिमांड्स को उसने पूरा नहीं किया तो उसने लोगों का जो सपोर्ट उसको मिला था वो खो दिया ठीक है एंड लेनिन जो कि अभी तक एग्जाइल में थे स्विट्ज़रलैंड में थे एट द टाइम ऑफ फेबर रिवॉल्यूशन वो अब रशिया आ गए थे अप्रैल में और उन्होंने फिर अपनी जो अप्रैल थैसिस है उसको लिखा था और उसमें लोगों से प्रॉमिस किया था कि उनकी जो सारी डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएंगी एंड अंडर हिज लीडरशिप द बोल्शेविक पार्टी पुट फॉरवर्ड क्लियर पॉलिसीज टू एंड द वॉर ट्रांसफ़र लैंड टू द पीजेंट्स एंड एडवांस द स्लोगन ठीक है तो इस uh, इस थीसिस में जो बोल्शेविक पार्टी है उसने लोगों से वादा किया कि जितनी भी ज़मीनें वॉर के दौरान लोगों की गई हैं वो उनको फिर से ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी और ऑल पावर ऑफ द सोवियट्स का जो स्लोगन है वो इन्होंने चलाया था लेनिन एंड हिज ट्रस्टेड एसोसिएट लियोन ट्रॉट्स लेड द अक्टूबर रिवॉल्यूशन तो लेनिन के एक ट्रस्टेड एसोसिएट का नाम क्या था लियोन ट्रॉट्स तो जो हमने ट्रू और फॉल्स में ये क्वेश्चन देखा था दिस इज ट्रू तो इन दोनों ने मिलके जो अक्टूबर रिवोल्यूशन है वो कराया था चलाया था ठीक है अक्टूबर रिवोल्यूशन कब हुआ था 1917 में हुए हुआ था तो कैरन की गवर्नमेंट की अनपॉपुलैरिटी की वजह से इनकी गवर्नमेंट जो है वो कोलेब्स कर गई थी वेन अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ऑक्यूपाइड द विंटर पैलेस द सीट ऑफ द केरन स्काई गवर्मेंट तो ये जो है ये गवर्नमेंट कोलेब्स कर गई थी एंड ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत मेट ऑन द सेम डे एंड अज्यूम्ड फुल पॉलिटिकल पावर तो एक ऑल रशियन कांग्रेस जो है सोवियत्स की वो आ, मिले थे इस दिन एंड उन्होंने फिर फुल जो पॉलिटिकल पावर है रशियन कांग्रेस ने वो अज्यूम कर ली थी एंड ये जो चीज़ है ये हुई थी सेवन नवम्बर को सेवन नवंबर 1917 को हुई थी और इसे ही अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहा था जब जो सोल्जर्स हैं उन्होंने कैरें स्काई के विंटर पैलेस को ऑक्यूपाई कर लिया था और इनकी गवर्नमेंट को हो गई थी सेम डे ऑल रशियन कांग्रेस जो है वो मिली थी और उन्होंने फुल पॉलिटिकल पावर जो है वो अज्यूम कर ली थी ठीक है नव जो ये रशियन रिवॉल्यूशन हुआ है इसके रिजल्ट्स को देख लेते हैं रिजल्ट ऑफ़ द रिवोल्यूशन रशिया विद्रो फ्राम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसका क्या रिजल्ट रहा था कि जो रि जो रशिया है उसने जो पहला वर्ल्ड वॉर था उससे अपने हाथ खींच लिए थे एंड लेटर उन्होंने एक जो ट्रीटी है वो जर्मन के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली थी ठीक है द स्टेट्स ऑफ लैंड लॉर्ड्स द चर्च एंड द सार वर कन्फ्यूजेटेड एंड ट्रांसफर टू पीजेंट्स ठीक है जो भी आ, जमीन थी ठीक है चर्चेज वगैरह थे जिसके भी थे उसको वापस कर दिए गए थे पीजेंट्स को उनकी लैंड वापस कर दी गई थी द कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रीज़ वॉज ट्रांसफर टू कमिटीज़ ऑफ वर्कर्स और वर्कर्स की डिमांड थी कि उनको कंट्रोल मिले इंडस्ट्रीज़ का तो वो चीज़ उनको दे दी गई थी एंड बाई द मिडिल ऑफ नाइनटीन एटीन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज लार्ज इंडस्ट्रीज माइन्स वाटर सपोर्ट सॉरी वाटर ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज वर नेशनलाइज और नाइन्टीन एटीन तक ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ uh, हैं ये सबको नेशनलाइज कर दिया गया था

एक्ट ऑफ द न्यू गवर्मेंट बिगिन दफ़ सोशलिज़म तो राइट ऑफ पीपल जो ये डिक्लरेशन किया था यहाँ से जो एरा है सोशलिज़म का वो स्टार्ट हो गया था और गोमेंट का नाम क्या था काउंसिल ऑफ पीपल्स कमिशार्स था एंड इसको लैनिन जो है वो हेड कर रहे थे द फर्स्ट सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टेड ऑन जुलाई टेन नाइनटीन एटीन

हाव एवर सून द न्यू सोवियत स्टेट वॉज इन्वॉल्व इन अ सिविल वॉर और फिर से जो ये नया सोवियत स्टेट बना था ये फिर से यहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी द ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी ऑफ द फॉलिस्ट ऑर्गेनाइज एंड आर्म रिबेलियन अगेंस्ट सोवियत स्टेट अभी जो आर्मी थी उसने इस सोवियत स्टेट के खिलाफ जो रिबेलियन है वो स्टार्ट कर दिया था ट्रूप्स ऑफ फॉरेन पावर्स इंग्लैंड फ्रांस जापान एंड यूनाइटेड स्टेट एंड अदर जॉइन डैम ठीक है और सो और यहाँ की आर्मी के साथ साथ अदर कंट्रीज़ की जो आर्मी है उन्होंने भी इनकी हेल्प करी थी दे ऑल्सो जॉइन डैम फॉर द रिबेलियन अगेंस्ट सोवियत स्टेट वॉर वॉज फॉर टिल नाइनटीन ट्वेंटी ठीक है नाइन्टीन एटीन में तो ये बना ही था और 1920 तक फिर वॉर हुई थी एंड बाय दिस टाइम द रेड आर्मी ऑफ द न्यू स्टेट वाज़ इन कंट्रोल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द लैंड्स ऑफ द ओल्ड जारिस्ट अम्पायर इंडी अ रिवॉल्यूशनरी वेव लास्टेड अंटिल 1923 लेकिन ये जो हालांकि इस रेड uh, आर्मी को कंट्रोल कर लिया गया था बाद में लेकिन जो रिवॉल्यूशनरी वेव है वो 1923 तक चल चलती रही थी कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स छोटे छोटे जो रिबेलियंस हैं वो हुआ करते थे सो दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल